हेलो एंड वेलकम टू एलएनटी एजुकेशन। सो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। ओके, सो दिस प्रोग्राम विल बी कंटिन्यू। आई थिंक दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। ओके, you guys are attending for the competitive examinations like railway, banking, state public service commissions in different states, okay, especially in Odisha, OPSC, okay. So these are the important questions, this is important current affairs and important static GK, okay. From today onwards, we will continuously upload this type of questions, this type of current affairs and static GK for your benefit. That will helpful for your upcoming competitive examinations, because generally this type of questions will come on your examinations. So we don't be late and let's start to discuss all the questions. Today we have 10 important questions. Out of 10, 4 questions are related to current affairs and 6 questions are static GK. Static GK. Okay. So there are 10 questions are there. Try to solve all the questions one by one. So before starting the program, before starting the question, before starting the discussing this subjects, I would like to request you, please subscribe our channel, like our channel and share our channel, so that we will content good type of videos, good type of informative contents or informative educational videos for you, that will help you for your upcoming examination. So guys, don't be late, let's start. The first question: National Unity Day is observed every year on DAS. National Unity Day is observed every year on DAS. यानी कि National Unity Day हम कब ऑब्जर्व करते हैं? And the right answer is 31st October. 31st October everywhere we celebrate National Unity Day. आपको यह पता होना चाहिए, यू गाइज ऑल शुड नो, नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ सेलिब्रेशन हम करते हैं 31st अक्टूबर को, जिसे हम नेशनल यूनिटी डे के हिसाब से पालन करते हैं, नेशनल यूनिटी डे के हिसाब से हम ऑब्जर्व करते हैं। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीज आपको एक चीज याद रखना है आपको, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लौह मानव भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, जो अखंड भारत को बनाए थे, जिनका सपना था अखंड भारत को तैयार करना, अखंड भारत को फर्म करना उनका एम था। वो बहुत स्ट्रगल किए थे, आपको पता होगा, तो मोर देन 545 प्रिंसल स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद सब स्टेट्स को लाके भारत में वो विलय किए थे, इसलिए उन्हें हमें मानते हैं एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनका बर्थ सेलिब्रेशन, उनका बर्थ डे को हम 2014 से सेलिब्रेट कर रहे हैं, अक्टूबर 31st को, आज है नेशनल यूनिटी डे। और आपको पता होगा इंडिया में जो गुजरात में जो वडोदरा है, वहीं पर उनका एक स्टेच्यू है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज द हाईएस्ट स्टैच्यू एवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट स्टैच्यू और सबसे लंगेस्ट स्टैच्यू क्या है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित किए थे हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। 2018 में वो स्टैच्यू हुआ था, 2018 में वो स्टैच्यू हुआ था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और 2014 से हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थ एनिवर्सरी को हम 31st अक्टूबर में हमेशा
ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका नाम है नेशनल यूनिटी डे। ओके, ये पहला क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड, व्हिच कंट्री विल होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023? 2023 में कौन सा कंट्री जो 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस ऑब्जर्व करने का होस्ट करने के लिए जा रहा है? और आपका ऑप्शन है इटाली, फिजी, कनाडा और जापान, और उसका सही आंसर है फिजी। तो फिजी, फिजी विल होस्ट 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023। नंबर थ्री क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन, हर साल वर्ल्ड स्ट्रोक डे को हम कब ऑब्जर्व करते हैं? आपका ऑप्शन है 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, 30 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। और द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 29 अक्टूबर। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर इज द राइट आंसर। सो 29 अक्टूबर एवरी ईयर वी सेलिब्रेट और वी ऑब्जर्व वर्ल्ड स्ट्रोक डे। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रुपीज 184.6 करोड़ टू एक्वायर लैंड फॉर डेवलपिंग द चल्लानम फट कोची स्ट्रेच ऑफ कोस्टल हाईवे? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? झारखंड, ओडिशा, केरला, यूपी। ये क्वेश्चन को आप इतना पढ़ना नहीं चाहिए, गैस करके कर सकते हैं। इधर आ गया कोची। ओके, तो कोची मीन्स आपको पता होगा कोची बिलोंग्स टू द स्टेट केरला, सो आंसर विल बी द केरला। ओके, लंबा क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 184.6 करोड़ टू एक्वायर द लैंड फॉर डेवलपिंग द चल्लानम फोर्ट कोची स्ट्रेच ऑफ कोस्टल हाईवे? लंबा क्वेश्चन है, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं। देखिए गुवाड़े, कोची, कोची बिलोंग्स टू केरला। झारखंड नो, ओडिशा नो, केरला यस, यूपी नो, सो द आंसर विल बी सी, केरला। ओके, देन कम टू द, ये आपका चार हो गया आज का करंट अफेयर्स। ओके, अब देखिए ये जो 6 क्वेश्चन है 5 to 10, ये है आपका स्टैटिक जीके पर्सन। देखिए उसमें क्या है, क्वेश्चन 5 में, When was the national flag adopted? हमारे संविधान में हम नेशनल फ्लैग को कब एडॉप्ट किए हैं, इसके बारे में पहले से चर्चा कर चुका हूं, पहले एक जीके क्लास में, और जब मैं पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी मैं चर्चा किया हूं। ये इसका आंसर आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट नंबर 6, हु वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला वुमेन आईएएस ऑफिसर कौन थे? ऑप्शन है विजयलक्ष्मी पंडित, किरण बेदी, अन्ना राजम मल्होत्रा और ऑप्शन डी है दुर्गा शक्ति नागफाल। चलिए, आप सबको ये किरण बेदी जी के बारे में पता होगा, हु इज द फर्स्ट आईपीएस वुमेन ऑफ इंडिया। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट आईएएस ऑफिसर वुमेन कौन है, और उसका सही आंसर है सी, दैट इज अन्ना राजम मल्होत्रा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, अगर कुछ दिक्कत हो रहा है आप अपना पॉज बटन को दबाइए, वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, और फिर भी कुछ दिक्कत आ रहा है हमारा कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट कर सकते हैं। ओके, देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, मुगा सिल्क इज एसोसिएटेड टू व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? मुगा सिल्क इनमें से कौन सा स्टेट को एसोसिएट होता है? ऑप्शन है गुजरात, केरला, आसाम और यूपी, एंड द राइट आंसर इज आसाम। ओके, तो मुगा सिल्क, मुगा एक सिल्क का नाम है, मुगा ये कौन सा स्टेट में है? वो दिस टाइप ऑफ सिल्क आर जनरली एसोसिएटेड विद स्टेट ऑफ आसाम। आपका आंसर होगा आसाम, सी इज द राइट आंसर। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, सिटीज विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 million आर कॉल्ड। ओके, तो जो सिटी का नाम बताइए जो सिटी में पॉपुलेशन 1 million to 5 million होते हैं, यानी कि 1 million यानी कि 10 लाख से 50 लाख,
जो सिटी में रहते हैं, इस टाइप ऑफ सिटी को हम क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है कन्यूर्बेशन, मेट्रोपॉलिटन, मिलियन सिटी या फिर कॉस्मोपॉलिटन। आप गैस करना पड़ेगा एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन सिटी हमारा चार है, आपको पता होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ओके, इधर हम मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं सिटीज विद पॉपुलेशन फ्रॉम 1 to 5 million, यानी कि 10 लाख से 50 लाख लोग जहां पर रहते हैं उस सिटी को हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन कहते हैं, जो भारत में चार है। Who is the supreme commander? Who is the supreme commander in chief of the armed forces? जो अपना तीन आर्म फोर्सेस है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उनका जो चीफ सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ये इजी क्वेश्चन, हमें पता होगा, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या फिर डिफेंस मिनिस्टर। And the right answer is the president. Option A is the right answer, president. Okay? अब last question देखिए, लाई हरोबा फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? ओके, तो ये जो लाई हरोबा फेस्टिवल कौन सा स्टेट में हम सेलिब्रेट करते हैं? आपका ऑप्शन है आपका सिक्किम या फिर गोवा या फिर आपका नागालैंड या फिर मणिपुर, और इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर आपको पता होगा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, मणिपुर में हम ये फेस्टिवल जो लाई हरोबा फेस्टिवल उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आपका करंट अफेयर्स और स्टैटिक दिख में बिलोंग करता है, आपका हर अपकमिंग एग्जाम में ये क्वेश्चन आने का चांसेस है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हम इस टाइप का क्वेश्चन हम सोच रहे हैं कि डे टू डे बेसिस में लाएंगे, ताकि ये आपको हेल्प कर सके आपको अपकमिंग एग्जाम में। चलिए और एक बार फर्स्ट से लास्ट तक एक बार और एक रिकैप करते हैं स्पीड। नेशनल सिटी, नेशनल यूनिटी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 31st October। ओके, फिजी, फिजी इज द कंट्री व्हिच इज गोइंग टू होस्ट 12 वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन 2023। World Stroke Day is observed every year on 29 October. Okay, then the state Kerala government has approved 184.6 crore to acquire land for developing the Chellanam Fort Kochi stretch of coastal highway. Then national flag first time was adopted by the Constitution of India on 22nd July 1947. Yes, the first woman IAS officer of independent India was the Anna Rajam Malhotra. Muga silk is associated to the state of Assam. Okay, cities with population from 1 to 5 million, yani ki 10 lakh se 50 lakh, jo city mein rehte hai, wo city ko hum kya kehte hai? That is metropolitan. Okay, and then the 9th number answer hoga president. President is the supreme commander in chief of the three armed forces of India. Then number 10, Lai Haroba Festival is celebrated in the state of Manipur. So, ये था आपका 10 question, जिसको हम विस्तार से description कर दिया. I think these are very, very helpful for upcoming examinations. Please subscribe our channel, like our initiative, like our channel, बहुत सारा प्यार दीजिए, उसको end तक देखिए. Knowledge is the power. मैं हमेशा बोलता हूँ, knowledge is the power. Knowledge को gain कीजिए, knowledge को acquire कीजिए. ये नॉलेज एक ना एक दिन आपको उधर पहुंचाएगा, मतलब टॉप पोस्ट पोजीशन पे पहुंचाएगा. ओके, सो आज के लिए बस इतना. तो आप लोग को बहुत सारा प्यार, गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।